उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री की भी सुन लो, अब जो कह के गए बोल के गए वो भी चले गए। अब हमारे मुख्यमंत्री भी पिछले दिनों जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मेरे विधानसभा क्षेत्र में गए, 7-8 पॉइंट बना लिए उन्होंने। वहाँ पे एक जमाल गांव है, बहुत बड़ा गांव है मेरे हफ्ते का, जो राजस्थान के बॉर्डर पे लगता है। वहाँ पीने के पानी की लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। वो एक एक कैंटर जो है पानी का 700-800 रुपए में राजस्थान से जाकर के लेकर के आते हैं। जब उनकी जन आशीर्वाद यात्रा वहाँ पहुंची तो लोगों ने गाँव गन इकट्ठे होकर के और उनसे कहा कि मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत और किल्लत है, इसका कोई समाधान करो। तो उनकी बात सुनने के बजाय उनको कहता है, मैंने सफेद जो कपड़े रो जो खंड के बांधे रखे थे वो मेरे खुद की बैठान दिए। उन्होंने कहा कि आपसे हम पानी की बात कर रहे हैं, कहते हैं यहाँ बिना मतलब की राजनीति मत करो। फिर उन्होंने कहा कि हम पानी की बात करते हैं, तो कहने लगे पहले मेरा कैंडिडेट यहाँ से जिंदा उतर के भेजो, फिर कोई पानी के बारे में सोचो। तो सरकार में बैठे लोग सभी में ये बात कह रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री किस तरह की बात किसी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के कहता है तो इसका मतलब वो पूरे प्रदेश के साथ एक बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता की बात थी नौकरियों के अंदर भी, वो तो बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने दिखा दी, आपको बता दी कि किस तरह की पारदर्शिता हुई। दूसरे ये हमारे जो जसपा वाले जो बैठे हैं, जो आज इनके गठबंधन के सहयोगी हैं, इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। इन्हीं के आरोपों का जवाब दे दे, हमें पूछने की जरूरत थी। जो इन्होंने कह रखा है मुख्यमंत्री उसके बारे में बता दें कि भाई इन्होंने क्या पूछा आपसे, जो सवाल इन्होंने खड़े किए थे, जिस तरह से इन्होंने बारी बारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चली थी कि किस तरह से हर भर्ती के अंदर आज ऐसे लोगों को भर्ती किया जाता है जो हमारे प्रदेश के लिए बाहर से लाए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी जिक्र आया, यहाँ तक भी कहा कि मुख्यमंत्री बहुत भावुक होकर के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जब इशू को लेकर के आए थे तो बड़े भावुक हुए थे। कई लोगों ने ये भी कहा कि कौनपाल जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री भी आरोप लगाए कि इनके अपने यहाँ कोई बेटी नहीं है इसलिए इनको क्या। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर। अभी मेरे से पहले चिरंजीवी राव जब पूछ रहे थे आपने इनको बैठा दिया क्योंकि पहली बार चुनकर गए और आपने इनको कहा कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर के भी नहीं पूछ सकते, ये बहुत बड़ा इशू था जो ये पूछ रहे थे। बावड़ के अंदर एक गरीब स्कूल कास्ट की बेटी जो स्कूल गोइंग, उसका अपहरण उसके गांव के चार लोगों ने किया और आज उसको 400 कुछ से ज्यादा दिन हो गया, 496 आज तक उस लड़की का पता नहीं लग पाया। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है या कोई और दूसरी एजेंसी जिम्मेवार है? अनेक दफा आप बैठ जाओ चुप करके, किसी आपने कितने आश्वासन दिए, कितने झूठ बोले उन लोगों के आगे। बैठो आप आराम से, बैठो बैठो आराम से, बैठना सीखो, आप बैठना सीखो, बीच में मत बोलना। अरे चुप करे, बैठाओ इनको, इनको बैठाओ, इनको बैठाना सिखाओ पहले आराम से। अरे तुमने दलित की लड़की का अपहरण किया उसके बारे में पूछ रहा हूँ, इसको बैठाओ नहीं, गाड़ी बेचता बेचता आ गया यहाँ पे। फिर आज ऐसे गलत कमेंट नहीं कर, किसी के बारे में जब बोल रहा बोले, मैं जब बोल रहा हूँ अवेदी मेरी रिक्वेस्ट है। अरे मैं जब बोल रहा हूँ किसी सदस्य के बारे में व्यक्तिगत कुछ कमेंट ना करें। किसने ये राइट दे दिया कि बीच में खड़े हो जाए? माफी, बैठाओ इनको, बैठाओ इनको, बैठ दो, बैठ दो। मैं जो बात जो सीरियस मामला है ये जो बनवारी लाल जी खड़े हुए, बैठ जी, ये उस वक्त में मंत्री थे और इनके घर के बाहर लगातार स्कूल कास्ट के हजारों लोगों ने बैठ करके धरना दिया था। इनको तो इस बात के लिए पीड़ा है कि इनके घर के बाहर लगातार धरना था, वो इसलिए था, इनके बाहर नहीं था, आप मंत्री थे इसलिए था आपके घर के बाहर। और बारी बारी उन लोगों ने इन्होंने अनेक बार ये आश्वासन दिए और अनेक बार ये बात कही कि जो लोग भी इसके गुनाहगार हैं हम उनको 100% पकड़ने का काम करेंगे। आज तक वो गुनाहगार नहीं पकड़ेंगे। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कही गई, ये कह दिया गया कि हमने कॉलेज बना दिए, स्कूल बना दिए। आज भी ऐसी हालत है कि गांव की बच्चियां जो गांव से शहर पढ़ने के लिए जाती हैं उन
उनके लिए कोई सरकार की तरफ से साधन मुहैया नहीं कराए गए। आज भी लड़कियां 50-50 किलोमीटर गांव से गाड़ी किराया करके किराए का पैसा दे करके पढ़ने जाती है। आज सबसे ज्यादा अशिक्षित अगर कोई है इस प्रदेश के अंदर तो महिलाएं हैं, बेटियां हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास आंकड़े होंगे, सरकार के पास होंगे। सबसे ज्यादा अपराध जो है 2019 जनवरी से लेकर के सितंबर के माह के आंकड़े में आपको बता रहा हूं। हमारे प्रदेश के अंदर हत्याएं जो है इन पिछले 4 महीनों में 884 हुई, बलात्कार के केस जो 1286 हैं, गैंग रेप के केस 141 है, उसके बाद अपहरण के केस जो है वो 2767 है, डकैती के 116 केस, दलितों के विरुद्ध अपराध के केस 640 है। अगला जब सुनोगे तब आपको एहसास होगा कि किस तरह से बेटियां सुरक्षित है हमारे प्रदेश में। महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वो 14175 हैं, सारे रिकॉर्ड बीट कर दिया आपने। उसके अलावा चोरी के जो हैं वो 18129 हैं। ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं, ये आपकी सरकार के, केंद्र की सरकार के आंकड़े हैं जिसके आधार पर मैंने आपके सामने ये बात बताई है। जहाँ बेटियों की सुरक्षा की बात करते हो वहाँ महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध के मामले आज इस प्रदेश की सरकार में है। इसी तरीके से सरकार ने जो है बात करी थी 24 घंटे बिजली देने की, हालत ऐसी है 24 घंटे बिजली तो बहुत दूर की बात है, लोगों को 8-8 घंटे बिजली भी आज नहीं मिली। बिजली देने की बात करते हो, ट्यूबवेल के कितने कनेक्शन पेंडिंग आपकी सरकार के, आप ये तो बताएं कम से कम, जवाब देने वाला नहीं है कोई, हम कितने कनेक्शन पेंडिंग है। और सरकार ने स्वयं 36,000 से मेरे ख्याल कुछ ज्यादा कनेक्शन ऐसे हैं बिजली के, ट्यूबवेल के, जो आज पेंडिंग है, जहां 10-12-15 फुट के ऊपर पानी है, उनको भी सरकार ने डार्क जोन में ला करके रखा हुआ है। मेरे अपने हलके के अंदर ऐसे गांव हैं जिनके अंदर, रानिया के अंदर ऐसे गांव हैं जहां 12 फुट पे 15 फुट पे नाली के साथ लगते गांव में पानी है, उनको डार्क जोन में शामिल कर दिया, वो ट्यूबवेल नहीं लगा सकते। आपने ट्यूबवेल का कनेक्शन देने के साथ शर्तें लगा दी, आपने तो ये भी कह दिया सरकार ने कि अगर कोई ट्यूबवेल का कनेक्शन लेगा तो उसको पहले एफिडेविट लिख करके देना पड़ेगा, उसको ये बताना पड़ेगा एफिडेविट में कि मैं इस ट्यूबवेल के पानी से जो अपने खेत में लगाऊंगा उससे धान की फसल पैदा नहीं करूंगा। आप किसान क्या बोएगा खेत में, इस बात पे सरकार हमें राय देगी, बताएगी, या सरकार के कहने से किसान अपनी खेती करने का काम करेगा। उसके साथ साथ जहाँ थोड़ा शॉर्ट कर लें तो कर दूंगा, कोई बात नहीं, मुझे पता है, वो तो यही कह के गए पंडित जी आपको, इनका शॉर्ट करवा दो थोड़ा क्या, मैं शॉर्ट कर दूंगा। मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि आप जितने नए सदस्य, मेरा ये कहना है कि जो नए सदस्य, मैं भी ये कह रहा हूँ, आप ज्यादा बोल सकेंगे, जो सदस्य आए हैं हाँ वो ज्यादा बोल सकेंगे, इनको आप ज्यादा समय दे, इनको ज्यादा से ज्यादा मौका दे ताकि ये लोग भी अपनी बात आपके सदन में अच्छे ढंग से रख सके। लेकिन मैं जो जरूरी 4 इशू आपके सामने उनके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि इन इशूज पे चर्चा ना हो तो लेकिन थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करूंगा बिल्कुल, ये बात ठीक है। जहाँ तक बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात है, यहाँ पे सरकार ने पहले ये कहा था कि हम 6,000 और 9,000 रुपया देंगे, वो 6,000 वाली स्कीम बंद कर दी, आज 9,000 वाली स्कीम भी बंद है। और दूसरी तरफ जो आज इनके गठबंधन के साथी, उन्होंने तो यहां तक भी कहा है कि हम 11,000 रुपया जो है बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। आज सरकार में शामिल है, अब मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे क्या, और ये भी बताना चाहिए कि ये 11,000 रुपया भत्ता जो है कब से लागू होगा, कब से देना शुरू करेंगे, कितने दिन के बाद ये शुरू होगी। उसके अलावा एक चीज और बहुत जरूरी है, बड़ी अहम, यहाँ पानी की रिचार्ज की बात आई है, सरकार की तरफ से अभिभाषण में लिखा गया है कि हम पानी को कैसे बचाया जाए। इसके लिए पहले मुख्यमंत्री ने एक बार ये भी कहा था कि मैं जल संरक्षण के लिए पूरे प्रदेश में रैली निकालूंगा, लेकिन रैली निकालने की बजाय, क्योंकि रैली में लेकर के निकलते तो 100% लोग पूछते कि असवैया नहर का क्या हुआ, दादूपुर नल भी कहाँ चली गई, फिर लोग ये भी पूछते कि अब फिर बोल रहे हैं, अब इनको फिर चुप कराओ, एक अब इनको बैठाओ, चलिए कमेंट्री बंद कराओ पहले, उनको रख लेने दो, ये कमेंट्री बंद कराओ पहले, एक मिनट कमेंट्री बंद कराओ, एक मिनट बैठ, मेरी कमेंट्री नहीं, वो बोल गया, इनको बैठाओ।
देखिए एक मिनट उनको समय दिया गया तो बोलने दो आप। एक मिनट आप लोग जो उनको समय दिया गया उसके बोलने का अधिकार है, वह एक चीज को चाहे चार बार बोले चाहे बार बार बोले वो उनका अधिकार है। लेकिन थोड़ा सा मेरा आपसे निवेदन है, छोटा करूंगा, बिल्कुल छोटा करके, क्योंकि छोटा करता हूँ, चार ही लाइनों में खत्म करूंगा। आप मुझे एक चीज बता दें कि मैं जो बात यहाँ पे कह रहा हूँ गवर्नर अभिभाषण पे, उसका जवाब कोई एमएलए देगा? नहीं, मुख्यमंत्री जी देंगे उसका जवाब। तो फिर ये एमएलए क्यों बोलते हैं? नहीं, फिर ये क्यों बोलते हैं? मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे आप। नहीं, फिर मैं पूछ लीजिए ये क्यों बोलते हैं? बैठ जाइए घनश्याम जी, बैठ जाइए प्लीज, जरा जल्दी खत्म करिए। ये मैंने देखना है, मैंने किसकी बात सुननी है नहीं सुननी, इनको इनका काम भी एक बीच में टोक ले मुझे। सपने में बढ़ लिया मैं जो बहुत जरूरी इशू था जिसपे मैं चर्चा करना चाह रहा था आपसे, जिसपे मैं चर्चा कर रहा था, मैं आपसे माध्यम से सरकार से बात पूछना चाहता हूँ कि जल संरक्षण की बात कही, दादूपुर नलवी नहर का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री थे तब, और उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया कांग्रेस की सरकार ने जब चौधरी भूपेंद्र सिंह का चीफ मिनिस्टर, करीब 350 करोड़ से ज्यादा रुपए उसके ऊपर खर्च हुआ, और उस नहर की उस जो स्कीम थी दादूपुर नलवी नहर की, उससे केवल 3 जिलों में जिनमें नहर का पानी जाता नहीं था, जो ट्यूबवेल पे ही डिपेंड करने वाला किसान था, वो कुरुक्षेत्र था, आपका अम्बाड़ा था और यमुनानगर था, जहाँ करीब 2.5 लाख एकड़ जमीन उस पानी से रिचार्ज होनी थी, आपने उस स्कीम को बंद कर दिया। दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि हम किसी ना किसी तरीके से पानी को कैसे बचाया जाए उसके लिए नई स्कीम लेकर के, स्कीम भी बड़ी हैरानी की, अगर आप इसको पढ़ोगे तब आपको एहसास होगा कि क्या लिख करके गवर्नर को दे दिया इन्होंने। इन्होंने ये लिख दिया कि छत के ऊपर पानी इकट्ठा करेंगे, हमने जमीन में तो पानी जाता देखा है, छत के ऊपर पानी इकट्ठा करके जल संरक्षण कैसे कर दोगे आप? ये इसमें लिखा हुआ है, इससे ज्यादा बड़ी हैरानी की बात क्या होगी कि आपने आपने ये पढ़ा और उसमें ये लिख दिया। कम से कम इसको पढ़ने से पहले करेक्शन तो करवानी चाहिए थी, महामहिम को तो ठीक से लिख करके देना चाहिए था कि हम क्या लिख करके। बस मैं लास्ट एक बात कह कर, अभी बात चल रही थी इसी में लिखा हुआ है कि हम बच्चों को शिक्षित करेंगे, इसमें यह नहीं कह रखा कि हम नौकरी देंगे रोजगार देंगे, किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, इसमें यह लिखा है कि 2 लाख बच्चों को हम इस योग्य बनाएंगे कि वो कल को कहीं नौकरी कर सके। आप योग्य बनाने की बात करते हो लिखते हो, दूसरी तरफ जो गरीब बच्चे हैं जिनका गलत तरीके से दाखिला दिखाया गया, वो थोड़े से बच्चे नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर करीब 3 लाख के करीब 4 लाख के करीब जो है फर्जी एडमिशन इस प्रदेश में हुए, और उसके अंदर 4 लाख जो बच्चे हैं इनके नाम की जो है